विद्युत विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में समस्याओं का निस्तारण नहीं करने को लेकर उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष शिवराज सिंह परिहार के नेतृत्व में विद्युत उपकेंद्र मऊरानीपुर प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया गया। उक्त दौरान उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव को विद्युत समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि विद्युत अधिकारियों पर संवेदनहीनता उदासीनता के आरोप लगाते हुए बताया झांसी जिले के समस्त ग्रामों में भीषण विद्युत कटौती की जा रही है। ग्राम ककवारा में हरिजन बस्ती में आज तक विद्युत आपूर्ति नहीं की गई। ग्रामों में उपभोक्ताओं को बिजली मीटर दे दिए गए लेकिन विद्युत आपूर्ति हेतु लाइन नहीं डाली जा रही। ज्ञापन में अनेक स्थानों पर मकानों के ऊपर से निकले हाईटेंशन तारों को हटाने सहित अनेक मांग में की गई है। चेतावनी दी गई है, यदि शीघ्र ही उक्त समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन चक्का जाम के लिए बाध्य होंगे। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए मौरानीपुर से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अम्मा किस गांव से हैं आप? चुरारा। चुरारा गांव से। आपकी क्या समस्या है यहाँ? हम जा समस्या है कि एक महीना होगा लाइट नहीं आती है, मट्टी का तेल मिलत नहीं है और पैसा मांगे तो पैसा कहाँ से दे, मजदूरी लगत नहीं है, मट्टी का तेल मिलत नहीं है कब कोटा पे। अब यही समस्या है कि अंधेरे में बाल बच्चे रात हमको मोटरियाँ चला रहे हैं, हमें तो जला भी भाई चाहिए रात के लाने। हमें यही समस्या है, एक डेढ़ महीना होगा। अधिकारी अभी तक कोई गए हैं आपके? मीटर लगे। हम मीटर लगे जी, मीटर काय के लाने लगा जब लाइट नहीं है, महीने डेढ़ महीना भाव है, वैसा काय के दिन बिल मांगा लगो कहाँ से दे हम। तो अधिकारी ने कोई आपके जांच करने नहीं? अभी कुछ नहीं गया, कोई ना कोई सुनवाई हो रही? हाँ सुनाई नहीं हो रही, जैसे दे ही देते एक दो दिन आके लाने से, एक दो दिन आ रही हो बस काट के फिर कह देते। अभी ऐसे बार बार कहाँ से आ रहा है, मीठो तेल जला 200 किलो है, कहाँ से खावे के वो जलावे। आज किसानों के द्वारा बिजली विभाग का घेराव किया गया है, क्यों किया गया, क्या मांग रही हैं? देखिए ये बुंदेलखंड का जनपद झांसी की तहसील मऊरानीपुर का विद्युत विभाग कार्यालय है। इनकी भ्रष्टाचारी और अंधेरगर्दी के चलते आज सैकड़ों किसानों ने विद्युत विभाग का घेराव किया है। अभी तक यहाँ का जिम्मेदार अधिकारी यहाँ नहीं आया है। हमारी जो प्रमुख समस्या है, तहसील के अंतर्गत एक गांव पड़ता है ककवारा, जिसका सिद्धपुरा मजरा है, वहां पर आज़ादी के बाद आज तक उस गांव में बिजली नहीं पहुंची, खंभे पड़े हैं, तार नहीं लगे हैं और मीटर ऐसे ही दे दिया, तो आज वहां का किसान बदहाली में जीवन जी रहा है। दूसरा चुरारा का पटाई गांव है, जहां पे तार लगे हैं, मीटर लगे हैं, उस गांव में बिजली आती थी लेकिन भ्रष्टाचारी के चलते, सुविधा शुल्क के चलते आज उस गांव में एक महीने से लाइट सप्लाई नहीं है। यहां का भ्रष्ट विभाग भ्रष्टाचारी में लिप्त है, किसान दर दर की ठोकर खा रहा है, किसानों को सिंचाई के लिए विद्युत नहीं मिल रही है। भारी समस्याओं के चलते किसान आज मजबूरन कार्यालय का घेराव किया है। जहाँ एक ओर मोदी जी कह रहे हैं कि हमने हर गांव में लाइट पहुंचा दी है, वहीं आज भी आज़ादी के बाद सिद्धपुरा मजरे में लाइट नहीं पहुंची। ये बदहाली है किसानों की, इसी बदहाली को लेकर हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन घेराव का कार्यक्रम किया है। अगर 24 घंटे के अंदर, एक दिन दो दिन के अंदर अगर गांव में लाइट नहीं पहुंचती तो फिर हम लोग तालाबंदी करेंगे और चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन। जय जवान। क्या नाम आपका? दयाराम सोनी। चुराड़ा से हैं, तहसील मऊरानीपुर। क्या समस्या थी आपकी जी? आप यहाँ पर आज यहाँ पर बिजली विभाग में आए हैं? बिजली विभाग में एक माह से हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, बार बार काटी जा रही है और जोड़ने के नाम पे बार बार पैसे भी इकट्ठे करके, चंदा करके पैसे दिए जाते हैं, लेकिन कब तक पैसे देंगे, कब तक हम लोग इकट्ठा करेंगे? मजदूरी के लिए तो कुछ खाने के लिए है नहीं, मजदूरी लग नहीं रही, लेकिन पैसे कहाँ से देंगे जोड़ जोड़ के? किसको पैसे देते हैं आप? जो उनके कर्मचारी हैं, विद्युत विभाग के लाइट मैन हैं। आप लोग कितनी बार पैसा दे चुके हैं? चार बार पैसे दे चुके हम लोग लाइन मैनों को। जी, इसकी जानकारी अधिकारियों को है? जी है, अवगत करा चुके हैं इन लोगों को और इसके पहले भी हमने SDM साहब महोदय जी को फोन करके और इनको वहाँ ऑफिस में भी जा चुके हैं। कोई उन पर कोई कार्रवाई किसी प्रकार की? नहीं सर। पैसे लगते हैं तैसे उन्होंने बताया? जी पैसे लगते हैं? नहीं लगते सर, उन्होंने मतलब अवैध वसूली के नाम पे बताया कि आप लोग क्यों देते हैं, लेकिन लाइट ही नहीं आ रही। कितना पैसा दे चुके हैं अभी? करीब 12,000 रुपया। अभी कब से परेशान चल रहा है आप लाइट? एक माह हो चुका, दीपावली भी अंधेरे में। अभी तक आप लोगों को कौन कौन आया था यहाँ अधिकारी? कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक,
ना कोई सुनने वाला है यहाँ पे। हम लोग सुबह 9:30 बजे से यहाँ बैठे हैं। किसानों का यहाँ पे जाम किया गया, दिल्ली विभाग का घेराव किया गया है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे जाम किया गया है? बिजली विभाग के यहाँ पे जंग किया, किसान को पूरी तरह से बिजली मिल नहीं रही है। फसल का टाइम आ गया, बोनी का आ गया है, तो जब बिजली नहीं रहेगी तो वो अपना पंप कैसे चलाएंगे। और बिजली की समस्या मऊरानीपुर के सभी जगह किसानों के लिए तो इस सरकार में सबसे बड़ी आफत आ गई है। किसान परेशान है, बिजली आ नहीं रही है तो, और बेरोजगारी भी चरम पे है। हर मुद्दे पे लेके हम आएंगे तो हर ये सरकार हर मुद्दों पे विफल है। योगी सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, किसानों को भरपूर बिजली दें, नहीं तो किसान उग्र आंदोलन करने पे पीछे नहीं हटेंगे। आज जो किसान हर जगह आंदोलन कर रहे हैं, उससे क्या कहेंगे आप सरकार के बारे में? सरकार से यही कहेंगे, किसान तो परेशान है ही है। आज मऊरानीपुर में तो ये छोटे रूप पे, आज पंजाब हरियाणा हर जगह देख लीजिए आप, फसल का इन्होंने कितने दाम कम कर दिए, बिचौलियों के हाथ में से हटा के इन्होंने मंडियां बंद कर दी हैं, तो किसान कहाँ जाएगा अपनी फसल बेचने? तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई उनको समर्थन मूल्य सही दिया जाए और किसानों के हित के काम किए जाए। तो किसान अन्नदाता है इस दुनिया का। जब किसान परेशान रहेगा तो आगे दुनिया कैसे चलेगी।